अजीदाने ग्रामी आप दी प्यारी माओ हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला ना घरों चल के पियां आउंदियां ने काबे दे अंदर आईया ने आप दे खावंद अबू तालब भी आप दे नाल ने जिन्हां दा लकब है शेखुल अरब जिन्हां दा लकब है शेखुल अरब अजीदा ने ग्रामी आप भी नाल नाल आए ने काबतुल्ला दा तवाफ शुरू होया हजरत अली दी मां ने एक चक्कर पूरा किया दूसरा चक्कर भी पूरा किया तीसरा चक्कर कट के जो हजरे असवद दे करीब आया आपने आवाज मारी या शेखुल अरब ओ मेरे सरताज ओ मेरे खावंद मैनू ते दर्दे दे शुरू हो गए हैं बच्चा बच्ची पैदा होने दे आसार नमूदार पे होंदे ने सख्त तकलीफ दे अंदर आ मैं की करा ए घर ए खुदा दा ए काबतुल्ला ए मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही जो मैं अपने घर तक चल के जा सका हजरत अली दी मां जनाबे फातिमा बिनते असद परेशान होइया रब दी आवाज आई ए फातिमा खबरा नहीं तेरा घर दूर है मेरा घर जो करीब है फरमाया तेरा घर मेरा घर जो नेड़े वे या अल्लाह ए तेरा घर है काबतुल्ला है ए पाकीजा मकाम है दुनिया इत्थे तवाफ कर दिए दुनिया इत्थे इबादत कर दिए मेरे हां ते बेटे दी विलादत होने वाली है बच्चा बच्ची पैदा होने दे आसार नमूदार हो रहे ने आए अल्लाह ए तेरा घर काबतुल्ला है कुदरत दी आवाज आई घबरा नहीं जे घर मेरा काबतुल्ला है ते आन वाला भी आम नहीं आन वाला भी असदुल्लाह फरमाया ए काबतुल्लाह है आन वाला भी असदुल्लाह है आन वाला भी कोई आम नहीं ए मेरा घर है ते ओ मेरा शेर कहलावेगा असदुल्लाह ओ अल्लाह दा या अल्लाह मैनू मोहलत दे फिर मैं तेरे घर दे काबे दे दरवाजे तक आ सका मैं दरवाजे तक ते पहुंच सका दोस्तां ने मोहतरम को या कुदरत दी आवाज आई तू अली दी मां है असा तेनू इन्नी भी तकलीफ नहीं देनी कि तू काबे दे दरवाजे तक चल के जावे घर भी साडा अपना है आन वाला भी साडा अपना है असी काबतुल्ला दी दीवार चीर देंदे हा काबतुल्ला की दीवार शक होती है काबतुल्ला की दीवार फट जाती है अली की मां अंदर जाती है अली की मां अंदर चली जांदियां ने अदी दाने ग्रामी तवज्जो कर मौला अली दी आजमतां वेख मौला अली दियां शाना वेख हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला ना काबे दे अंदर दाखिल हो गईयां कुछ देर तो बाद मौला अली दी विलादत बासादत हो गई अल्लाह अकबर कबीरा एक दिन भी गुजर गया दूसरा दिन भी गुजर गया तीसरा दिन भी गुजर गया मौला अली दियां अखां बंद ने मां अखां खोल दिए अखां खोल दे नहीं चेहरा बड़ा सोहना है हाय हाय तेरी नस्ले पाक में है चेहरा बड़ा बड़ा खूबसूरत चेहरा है हत्थां वाल मां ने निगाह मारी हाथ बड़े खूबसूरत ने सीना बड़ा सोहना है हर चीज खूबसूरत है पर जदों अखां खोल दिए मां मौला अली अखां नहीं पै खोल दे परेशान हो गए हजरत फातिमा बिनते असद परेशान हुई मौला पुत्र ते दित्ते ही बड़ा सोहना है बड़ा खूबसूरत है पर ए ता लगदा है ना बिना पैदा होया है मां परेशान हुई पुत्र नू लै के चलिया अगो मेरा नबी आ गया अगों सरकार आ गए तवज्जो चावांगा हजरत अली दी मां जदो नबी दे नाल मुलाकात होंदी है अर्ज करदी है ए मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ने तुहानू भाई दिता है रब ने तुहानू कजन अता फरमाया है बड़ा सोहना लेकिन अखां तो नाबीना है मैं कोशिश कर दिया अखा नहीं खोलदा लगदा है रब ने इसनू नाबीना पैदा किया है बीनाइया दी अखा दे विच नहीं है हजूर मुस्करा के फरमाया मेरी चची जरा मैनू भी ते वेखाओ अल्लाह अकबर हजूर ने अपनी गोद मुबारक नू फैलाया बाजुआ नू फैलाया हजरत अली नू आप दी वालिदा ने रसूल अल्लाह दी गोद दे अंदर दिता फरमाया ले तू भी मुहम्मद करीम वेख लै अपने भाई नू हजूर ने जदों हत्था ते
चुकिया मौला अली नू हजरत अली ने अखां खोलियां ते वद्दोहा मुखड़ा वेखना शुरू कर दिता। फौरन मौला अली ने अपनी अखां खोल दितियां, रसूल अल्लाह दा चेहरा अनवर पै वेखदे ने, वद्दोहा मुखड़े ते निगाहां पईयां। हजरत अली ने अपनियां अखां खोलियां। बाद दे अंदर रसूल अल्लाह ने एक दिन पुछिया सी, मौला अली तीन दिन तक तेरी मां तेरियां अखां खोलदी रही, सोहणिया अखां क्यों नहीं सी खोलियां? हजरत अली ने जवाब दिता सी, या रसूल अल्लाह ए तहैया करके आया सा, जे मैं जा रहे ते मेरी घर मेरी विलादत का काबा ते जो मैं अखां खोलांगा ते मेरे सामने चेहरा है रसूल अल्लाह होना चाहिदा है। या रसूल अल्लाह मैं ये तमन्ना लेकर आया था, अगर मेरी विलादत गाह का बतुल्ला है तो फिर मेरी निगाहों का मंजर चेहरा है रसूल अल्लाह होगा। हजरत अली ने कायनात में आने के बाद सबसे पहली चीज जिसकी जियारत की वो मेरे नबी का चेहरा। आज के कहो जरा सुभान अल्लाह। सबसे पहले क्या देखा? हजूर का चेहरा अनवर की जियारत की, और फिर जो इनाम मिलता है, जो हजरत अली ने वेखे ना चेहरा रसूल अल्लाह, तो फिर मेरे नबी ने भी ऐलान किया, फरमाया अन नजरो इला वजही अली इबादा। फरमाया दुनिया वाले हो याद रखना, मेरे वीर अली दा चेहरा वेखना भी इबादत है। उना हजूर दा चेहरा वेखिया, मेरे नबी ने फरमाया मेरे वीर अली दा चेहरा वेखना भी इबादत। तवज्जो कर अज़ीज़ा ने ग्रामी, चेहरा वेखना भी इबादत। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर अली दे बंदा सामने ना होए, अली दी कंड पिछे होए, मौला अली दा मुंह मुबारक दूसरी तरफ होए, चेहरे की ज़ियारत नहीं हो सकती। जेड़ा चेहरा ना वेख सके, मेरे नबी दा दूसरा फरमान आया, मेरे अली दी पुश्ते अनवर दी ज़ियारत करना भी इबादत। एक होर बोलिया या रसूल अल्लाह अगर कोई चेहरा भी ना वेख सके, उन्हां दी पुश्ते अनवर दी ज़ियारत भी ना वे कर सके, ऐसे भी आणगे जिन्हां दे नसीबां दे विच ना अली दा चेहरा वेखना होवेगा, ना अली दी पुश्ते अनवर दी ज़ियारत होवेगी। या रसूल अल्लाह फिर मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा चेहरा भी ना वेख सके, जेड़ा अली दी पुश्ते अनवर दी ज़ियारत भी ना वेख सके, वो अली अली करदा रवे, इस वास्ते के अली दा जिक्र करना भी इबादत है। अली दा जिक्र करना भी हुण समझ आई, असी अली दा जिक्र क्यों करने आ? ते कईयां पीड़ पौंदी अली अली बहु करने है। अली दा जिक्र करना, अली ना चेहरा वेखना, अली दी पुश्ते अनवर दी ज़ियारत करना, तुसां गुरा खुद समझो जिसका जिक्र करना इबादत बन जाए, जिसका जिक्र करना इबादत बन जाए, वो इंसान कितनिया अजमतों का हामिल होवेगा, किस शान का मालिक होवेगा। हजरत अली ने हजूर दी गोद दे अंदर पहली अख खोली, पहली अख खोली ना, अल्लाह अकबर कबीरा, ते फिर खुट्टी खुट्टी भी रसूल अल्लाह ने दिती, ते किसे शायद दी नहीं, बाजारों ले आके नहीं दिती, अपने लाब बेदहन दी खुट्टी अता फरमाई है अपनी। तुम्हें पता है नबी के लुआब की क्या बरकतें हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। कड़वे कुएं में पड़ जाए तो उसका पानी आज तक मीठा है। हाँ, साहबी के कटे हुए बाजू पे लग जाए तो बाजू जुड़ जाए, साहबी की निकली हुई आंख पे लग जाए तो आंख दुरुस्त हो जाए, अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पे सांप डंग मारे वहां लग जाए तो सांप के जहर का असर खत्म हो जाए। ये है नबी के लुआब दहन की बरकत। कड़वा कुआं आज तक मीठा है तो वही लुआब दहन रसूल अल्लाह ने मौला अली को घुट्टी के तौर पर अता फरमाया। अच्छा, हजरत अली को पहला गुसल भी रसूल अल्लाह ने दिया है। बच्चे को नहलाते हैं ना, तो वो एक तरीका, वो सुन्नत तरीका। हजरत अली को गुसल भी रसूल अल्लाह ने दिया, और गुसल देने के बाद आपने जब आपके वालिद गरामी हजरत अबू तालिब दे कोल पेश किया ना मौला अली नू, तो हजूर अलैहिस्सलाम दिया अखां विचों आंसू निकले,
सरकार की आंखों